उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मंगलवार तड़के बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ की झाझरा इलाके में क्लोरीन गैस रिसाव होने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद यहाँ के चंद्रनगर इलाके को खाली करवा लिया गया है। कई लोग बेहोश होने की सूचना मिली है, जिन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है, जहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। स्थानीय पुलिस और NDRF की टीम घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार गैस रिसाव होने की वजह से आसपास के लोगों में को हटा दिया गया है। उनको सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियां भी हुई है, जिससे किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन लगातार अलर्ट पर है। देहरादून SSP अजय सिंह कुमार ने कहा है कि गैस रिसाव के लिए सिलेंडर को भी वहां से हटाया जा रहा है। उन्हें गड्ढा खोदकर नीचे दबाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके। मुझे कल शाम को 4 बजे गांव वालों ने बताया कि यहां से कुछ बदबू आ रही है, तो फिर मैंने पता करा तो गैस लीक हो रही थी, रिसाव हो रहा है, जिससे जहरीली हवा चल रही है। गांव वालों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, जानवरों को परेशानी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और जो ये प्लॉट का मालिक है, रात से उनसे कॉन्टेक्ट हो रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन वो कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं झाझरा पड़ता है, यहाँ पर एक प्लॉट में गैस रिसाव की सूचना प्राप्त हुई थी रात्रि 3 बजे। तो चूंकि पहले जब पुलिस कर्मी यहाँ पहुँचे तो पता चला कि सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, इसमें हमारे फायर के और NDRF की जो है यूनिट को बुलाया गया, और इन्होंने जब मास्क वगैरह पहन के चेक किया तो ये फ्लोरिन के सिलेंडर काफ़ी लगता है पुराने रखे हुए हैं प्लॉट में, और इनमें रिसाव हुआ है। अब किन परिस्थितियों में यहाँ रखे गए थे, कब से रखे गए, जाँच का विषय है, लेकिन आसपास के लोगों को खाली करा दिया गया मकान को, और सेफ्टी के लिए इसको यहाँ से शिफ्ट करके कहीं डंप किया जा रहा है, जिसकी कार्रवाई चल रही है।